Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the concept of IP address convert into the binary number. कैसे हम binary number में convert करेंगे किसी एक IP address को. एक question इस type से आता है कि जब भी question आएगा कि IP address एक आपको दिया गया होगा, given रहेगा और उसको convert करना रहेगा binary number में. Binary number क्या होता है? Binary number होता है 0 and 1. तो इस आईपी एड्रेस को 0 और 1 में कन्वर्ट कैसे हम करेंगे, तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 192.168.32.2. एक मेरे पास एक आईपी एड्रेस है. अब हमें इसको क्या करना है, एक आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में. तो फ्रेंड हमको मालूम है कि जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम एक आईपी वर्जन 4 की एक क्लास बताएंगे कि ए वाला अगर मुझे आईपी एड्रेस है इसकी कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, तो आप उसको जरूर देखा अगर आपने नहीं देखा है. तो IPv4 जो हमारे एक आईपी एड्रेस है उसकी जो हर एक ऑक्टेट की जो लेंथ होती है, ये सारे 4 ऑक्टेट्स हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. तो फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 8 बिट एंड देन 8 बिट. इस टाइप से जो इसकी जो टोटल जो वैल्यू आती है वो 32 बिट लेंथ का एक आईपी एड्रेस होता है. तो जब भी हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसकी जो लेंथ लेते हैं वो 8 बिट लेते हैं. तो 8 बिट लेते हैं, तो 8 बिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाउ टू रिप्रेजेंट 8 बिट कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 0 to 7, क्योंकि 0 to 7 मीन्स यहाँ पर टोटल 8 बिट हो गई हैं. तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, ये 8 बिट लेंथ हो गई है. अब इस हर एक किसी की वैल्यू क्या, 2 to the power 0 की इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड देन 128. तो इसकी ये वैल्यू है. तो 0 to 8 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 0 to 7 नंबर्स रहेंगे, 8 बिट लेंथ हो गई है इसकी सभी की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो टोटल 8 बिट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो इस टाइप से रहेगी. अब हमको क्या करना है, हमको इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को क्या करना है, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर में. चलिए कैसे हम करेंगे, 192 को सबसे पहले करके देखते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू आ गई. तो ये जो वैल्यू है 192, इन वैल्यू में से कौन कौन सी वैल्यू का टोटल करने के बाद 192 आएगा, उन वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर लेंगे. तो चलिए हम देखते हैं 192 कैसे आएगा. सबसे बड़ी वैल्यू 128 एंड 64, इसका जो टोटल करेंगे ये हो गया टोटल 192. तो कौन सा हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक ए और एक ए. जो भी वैल्यू का टोटल करने से हमारी ये वैल्यूज मिलती हैं उनको हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड रिमेनिंग ऑल द जितनी भी वैल्यूज हैं सभी को हम 0 करेंगे, राइट. तो इस टाइप से हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से हम कर देंगे, लिख देंगे. तो 168 के लिए जो वैल्यू आएगी, 168 वैल्यू कैसे आएगी, चलिए फ्रेंड्स करके देखिए. तो 168 में जो वैल्यू चाहिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू 128 है प्लस 32, क्योंकि अगर ये मैंने दोनों काउंट कर दिए तो ये ज़्यादा हो गई. तो इसको हम कैसे करेंगे, 168 चाहिए तो 128 प्लस 32 प्लस 8, तो ये हो जाएगी आपकी 168. तो कौन कौन से नंबर्स को टोटल करने पर आती है, 1, 1 देन 1, रिमेनिंग जितने भी सभी को हम 0 कर देंगे, राइट. इसी तरह से 32 ऑलरेडी है, कहाँ पर है, ए है, तो ये 32 की जगह पे 1, बाकी सारे 0, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई. देन 2 कहाँ पर है, 2A है, तो इसकी जगह 1, बाकी सारे 0. बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ए हमारे पास आ गया बाइनरी नंबर,
एक आ गया एक आईपी एड्रेस का। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब हम इसी को इसी पैटर्न में लिख देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आई 192 की क्या रहेगी फ्रेंड, स्टार्ट कहाँ से, ये हमारी ये वाली वैल्यू है, सारी वैल्यू के अब हम कहाँ लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट। तो 192 की वैल्यू जो आएगी हमारे पे कौन आने कौन सी है, 1 1 देन 0 1 2 4 8 डॉट 168 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स हमारी, ये है 1 0 1 0 1 देन 32 के लिए 0 0 1 0 0 0 देन 2 2 के लिए वैल्यू 0 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
बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, ए आंसर। सो दैट इज द आंसर ऑफ द बाइनरी नंबर, किसका, एक आईपी एड्रेस की जो बाइनरी वैल्यू आएगी वो इस टाइप से हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी, आपको सिर्फ यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि जो भी हमारी बिट होगी वो 8 बिट लेंथ होगी, क्योंकि हम आईपीवी वर्जन 4 IPv4 एड्रेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और आपको IPv4 एड्रेस ही गिवन रहेगा और उसको आप 8 बिट लेंथ में इस टाइप से लिख लेंगे और सभी की वैल्यू आप इस टाइप से लिखेंगे। देन फिर आपको जो भी आईपी एड्रेस गिवन रहेगा उसकी वैल्यू किन वैल्यूज को टोटल करने से हमारा ये वैल्यू आती है तो उनको हम बंद कर देंगे, बाकी सारे वैल्यूज सभी को जीरो कर देंगे और उनको MSB में हम लिख देंगे, लीड सिक्योरिटी LSB फॉर्म में। तो और हमारा ये फाइनली वैल्यू ये अपने आंसर ये आ गए। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपको अगर किसी एक टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।